मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारे दुख का कारण क्या, हमारे सुख का कारण क्या, मन ही। अब देखिए हम रोड के ऊपर जा रहे, ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ है किसी का, मोटरसाइकिल पर से कोई पड़ा है, कोई मर गया है, उसको हमने देखा गाड़ी चला रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आनंद से जा रहे हैं, मर गया मर गया, हम हमारा आम निकले गए, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, आगे गए 15 मिनट बाद, 20 किलोमीटर आगे गए, वहां फोन आया, वो जो गिरा है वो हमारा मित्र है, तो क्या हुआ, जब लाश के पास से गुजरे आप तो कोई दुख नहीं हुआ, उस प्रेत के पास से आप गुजरे आपको दुख नहीं हुआ, मन को दुख नहीं हुआ, आप पॉपकॉर्न खा रहे थे, आप गाना सुन रहे थे, आप गाड़ी चला रहे थे, आप हंसी मजाक कर रहे थे, कोई आपको दुख नहीं हुआ, जैसे ही ये पता चला कि वो मेरा मित्र है आप रोने लगे, हाँ किसके कारण, मन के कारण, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम, ऐसा कहा गया अमृत बिंदु उपनिषद में। तो इसलिए कहते हैं कि एक आदमी था, उसके पास एक भैंस थी, भैंस समझते ना, भैंस, वो भैंस लेके चराने के लिए जाता था जंगल में, तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पास वो भैंस को बांधता था, बांध के अपना जो रोटी का डब्बा वगैरह जो टिफिन होता था उसका, वो वृक्ष के जो उतरे पे बैठ के अपनी रोटी वोटी खा के पानी पी के थोड़ा सोता था, एक घंटा भर सोता था, और सो के 4 बजे उठता था, फिर भैंस को खोलता था, फिर अपना घर को लेके आता, ये उसका रोज का क्रम था। एक दिन क्या हुआ, भैंस को ले जा रहा है, वो रास्ते में कहीं वो भैंस के गले में की रस्सी टूट के गिर गई, अब भैंस के गले में रस्सी नहीं, ये लेके गया भैंस को, अब वो चराया थोड़ी देर, उसके बाद उसको भोजन करना था तो भैंस को बांधना था, अब बांधने के लिए रस्सी, कहाँ से लाएंगे, हाँ रस्सी तो है नहीं, गले में की रस्सी टूट के गिर गई, कहाँ गिरी पता नहीं, अब क्या करें, भैंस को कैसे बांधे, भैंस को बांधेंगे नहीं तो भोजन करेंगे नहीं, भोजन नहीं होगा तो सोएंगे नहीं, उसका रोज का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो क्या करें, इधर उधर देखा रस्सी कहीं नहीं मिल रही, दूर एक झोपड़ी थी, वहाँ पर एक साधु रहता था, ये गया आदमी, उसने साधु को नमस्कार किया, बोला महाराज ऐसा है मेरे को एक रस्सी चाहिए, साधु बोले किस लिए चाहिए, साधु बोले सारी रस्सियां काट के मैं यहां आया हूं, अब फिर रस्सी कहां से दूं तेरे को, नहीं नहीं महाराज रस्सी चाहिए, बोले किस लिए चाहिए, ऐसा भैंस है वो भैंस को बांधना है, बांधने के लिए रस्सी चाहिए। तो साधु ने कहा कि तेरे पास रस्सी नहीं है ये तेरे को मालूम है, भैंस को मालूम है क्या, तुझा जोड़ दोरा नहीं, ये तुला माहित है, मशीला माहित है क्या, नहीं, मैं एक काम कर, काय करायचं, जाके ऐसा कर कि बांधने का नाटक कर, हाँ तो भैंस क्या समझेगी, इसने मेरे को बांध दिया, ये अच्छा। गया उसने करके भैंस को बुलाया, पेड़ के पास ले गया, रोज जैसे बांधता था वैसे वो रस्सी बांधने की एक्टिंग की, जैसे ही एक्टिंग समाप्त हुई उसने गांठ डाली रस्सी को, वो भैंस बैठ गई वहां, इसने कहा अच्छा हुआ, अब ये भोजन किया इसने, भोजन करके सोया, 4 बजे तक सोया, उठ के देखा तो भैंस जैसी बैठी थी वैसी बैठी, अब रस्सी तो थी नहीं, अब 4:30 हो गए, अब घर जाना था तो चल चल करने लगा, वो भैंस उठने को तैयार, अब क्या करें, ये कोशिश कर रहा है, भैंस उठने को तैयार नहीं, अब क्या करें, फिर वो साधु के पास गया, बोला महाराज ये काय करूं ठेवला तो ती मैस उठायलाच तैयार नहीं, आता मी काय करूं, अरे वेडा है सुन पागल है, एक काम कर, जैसे बांधने की एक्टिंग की वैसे छोड़ने की एक्टिंग कर, भैंस उठेगी, समझ में आ रही बात, बंध मुगति नहीं ब्रह्म तु साचा क्यों रोता रंडा दीवाना आपको नहीं ढूंढना, तो उसने जाके एक्टिंग की, खोलने की एक्टिंग की, उड़ गई भैंस, लेके चला गया, अब बताइए कि रस्सी तो थी नहीं, रस्सी तो है ही नहीं, मगर उस भैंस को क्या भ्रम हो गया,
मैं बंधी हुई हूं, ये भ्रम हुआ भैंस को, मैं बंधी हुई हूं ऐसा भ्रम हुआ है। और जब रस्सी खोली मुक्त किया तो उसको क्या लगा, मैं मुक्त हो गई ऐसा उसको लगा। वास्तव में बंधी थी क्या भैंस? बंधम उगति नहीं ब्रह्म तु साचा, क्यों रोता रंडा दीवाना आप को नहीं ढूंढा। तो वास्तव में हम भी बंधे हुए नहीं है, हमको लगता है कि हम बंधे हुए और हमको ये लगता है हम मुक्त हो गए। वास्तव में हम मुक्त हैं, वास्तव में हम मुक्त ही हैं, हमको लगता है अब हम मुक्त हुए, अब हम मुक्त हुए। बंध्यासुत लग्नवर आड़ी मृग जली भ्याली दिली बूढ़ी स्वप्नीचा तो नावाड़ी महावाक्य बोधुनी काढ़ी लटक्या मुखी सार्थक झाले ब्रह्मासी ब्रह्मपण आले। तो ये बंध मोक्ष वगैरह की जो कल्पना है वो मन के कारण है, मन के कारण।